प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। जिला कारागार अलीगढ़ में सलाखों के पीछे जिंदगी की परीक्षा नहीं, वह प्रश्न पत्र और आंसर शीट की परीक्षा हो रही है। जिला कारागार में इग्नू द्वारा संचालित 16 कोर्सों में 787 कैदी एनरोल हैं और वह परीक्षा दे रहे हैं बैठ करके आराम से और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। और ये इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि लगभग एक कोर्स में ही 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षार्थी बने हुए हैं। और इसके साथ ही जिला कारागार में इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक या धार्मिक कई हैं कार्य वह होते रहते हैं और जिसके लिए जिला जेलर पीके सिंह पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं। आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ की जिला जेल में कैदियों के लिए, बंदियों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं और इस समय अलीगढ़ की जिला जेल में इग्नू के माध्यम से 700 से ज़्यादा जो बंदी हैं वह परीक्षा दे रहे हैं, किसी ना किसी कोर्स में वह एनरोल हैं। तो आइए सबसे पहले हम जेलर पीके सिंह जी से जान लेते हैं कि कब परीक्षा शुरू हुई, कब ख़त्म हो रही है और किस किस की परीक्षा चल रही है, कितने परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और फिर देखेंगे हम कि किस तरीके से वह परीक्षा दे रहे हैं। जेल में परीक्षा चल रही है, वह किसकी चल रही हैं और कितने परीक्षार्थी हैं? जेल में इग्नू की तरफ से परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें 798 बंदियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो विभिन्न कोर्सों से संबंधित BA, MA, हाई शिक्षण का कोर्स, उच्च शिक्षा से संबंधित कोर्सों की परीक्षा चल रही है। और इसका जो है डेली जो है इसका ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर के रूप में आ रहे हैं इग्नू से और देख भी रहे हैं। अच्छा सर, जो परीक्षार्थी हैं तो वो तैयारियाँ कैसे करते होंगे, अपने जो बैरक हैं उसी में पढ़ते हुए या जेल की तरफ से कुछ और सुविधा काउंसलिंग की या कोई टीचर प्रोवाइड कराया जाता है या कुछ ऐसा? नहीं, इन बंदियों को इग्नू की तरफ से पढ़ाया जाता है। हमारे जेल के बंदी अच्छी तरीके से जो शिक्षित हैं पढ़ाते हैं। हमारे लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं, जो किताब बंदी लेकर के पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम परमिशन दे चुके हैं, वो पढ़ते हैं जेल में रह करके, अपना समय निकाल के पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। अच्छा, तो ये सर इसी साल इतने ज़्यादा संख्या में परीक्षार्थी हैं या हर साल इतने ही रहते हैं? नहीं, बढ़ते चले जाते, इस साल ज़्यादा हैं क्योंकि उनको माहौल अच्छा मिला है। COVID-19 के कारण बहुत अच्छा समय नहीं मिल पाया होगा, लेकिन अब काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है, समय मिल गया है और उस हिसाब से बंदी तैयारी करके अपनी परीक्षा दे रहे हैं, पहले से ज़्यादा है। अच्छा सर, जैसे कि हर कोर्स का एक शुल्क होता है तो इसमें जो बंदियों की जो शुल्क है वह कौन अदा करता होगा, ये बंदियों के द्वारा ही या जेल प्रशासन तो के द्वारा? ये तो इग्नू परीक्षा आयोजित कराती है ना। हाँ जी, इग्नू के यहाँ फार्म भरा जाता है जी, और इग्नू के फार्म जो भरा जाता है इग्नू अपनी परीक्षा आयोजित कर रहा है, शुल्क जैसे कोई बात नहीं। अच्छा, तो परीक्षाएं शांतिपूर्ण चल रही हैं? हाँ, परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। अभी बीच में चल रही थी, DMSP डिस्ट्रिक्ट जेल का इंस्पेक्शन था, उन्होंने खुद भी देखा कि परीक्षा बंदी जो है अपनी इग्नू परीक्षा दे रहे हैं। ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ के पदाधिकारी आते रहते हैं जी, इस समय भी आए हैं, देख रहे हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।